हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले ही एसएससी ने जो सीपीयू एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर कीज अपलोड कर दी हैं, और आप लोगों ने अपने मार्क्स अभी तक चेक कर भी लिए होंगे। तो जो मैंने एक्सरसाइज की थी प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो एसएससी ने अभी कराए थे और उनकी जो की अपलोड की थी, तो आपके मैंने रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट किया था और आपको रेस्पॉन्ड किया था। तो आई एम गोइंग टू डू द सेम एक्सरसाइज हियर इन दिस एग्ज़ाम एज वेल। तो इस एग्ज़ाम में अभी आपको जो रॉ मार्क्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँगा लाइक आई डिड इन द प्रीवियस ओकेशंस रिगार्डिंग CGL एंड CHSL। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और कौन सी दो ईजियर शिफ्ट रही थी जहाँ तक CPO का सवाल है। इसके बाद कल परसों में ही एक मेरी वीडियो आने वाली है कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ से आपको ये जो है आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं या उसके पास हैं तो देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, बिकॉज जो PET होता है इज़ एन इंटेग्रल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CPO एग्जामिनेशन। आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, कितना अच्छा आपने 180-190 नंबर लिया है, अगर आप PET क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे। तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है, उसमें भी टाइम लगता है एंड्योरेंस बनाने में, स्टेमिना बनाने में, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और इसके अलावा अभी अभी IB की वैकेंसीज आई हैं, तो IB की वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो IBA का जो जॉब प्रोफाइल होता है उस पोस्ट का, तो जॉब प्रोफाइल है क्या, उसके प्रॉज हैं क्या, कौन से हैं, ये वीडियो इज़ ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, शुड बी आउट इन अ डे और टू टाइम। तो आप से ये सब चीज़ें मिस ना हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। तो आज की वीडियो के बारे में देख लेते हैं हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट की। तो जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर को, उसको दोनों ही शिफ्ट जो है कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट थी, 23 के और 20 जो एक और एग्ज़ाम हुआ था एक डेट में। तो इसमें जो शिफ्ट वन थी वो स्लाइटली हार्डर थी एज़ कम्पेयर टू 25, तो शिफ्ट टू नंबर टू पर रही। ये दोनों इस दिन की दोनों ही जो है कंपैरेटिवली थोड़ी डिफ़िकल्ट थी और दिन के एग्ज़ाम से, लेकिन शिफ्ट वन और शिफ्ट टू इस तरह की रैंकिंग इनकी रही है, वन की थोड़ी ज़्यादा, टू की थोड़ी कम। इसके अलावा ईजी शिफ्ट में रही थी 23 नवंबर की दोनों ही शिफ्ट, लेकिन शिफ्ट वन जो है वो ईजीएस्ट और शिफ्ट टू जो है वो दूसरे नंबर पर। तो इस तरह से इनका जो है ऑर्डर रहा है। शिफ्ट वन का जहाँ तक सवाल है एवरेज स्कोर अराउंड 107, और शिफ्ट टू का जो सवाल है एवरेज जो है अराउंड 108। जहाँ तक 23 नवंबर का सवाल है तो इसमें एवरेज स्कोर अराउंड 123, और जो सेकंड शिफ्ट थी 121। तो नॉट ए मेजर डिफरेंस बिटवीन, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस था। तो आपको जो करना है वो ये कि जो अपने रॉ मार्क्स हैं वो डेट ऑफ एग्ज़ाम के साथ और अपनी शिफ्ट के साथ वो आपको मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन में, एंड देन आई विल कन्वर्ट देम इनटू एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स एंड लेट यू नो अबाउट दैट एज सून एज पॉसिबल। सो चलिए मैं आपसे जुड़ता हूँ कमेंट के माध्यम से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर ऑल द वीडियोज़ दैट्स ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। थैंक यू गाइज़।